दोस्तों बंगाली जितनी मीठी लैंग्वेज है उससे कहीं ज्यादा यहाँ की मिठाइयाँ तो वर्ल्ड फेमस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कुछ ऐसे वीडियो बनाए जाएं जो सारी मिठाइयों और स्वीटनेस को कवर करें। तो मैं शुरू कर रहा हूँ मिठाइयों की एक सीरीज जिसमें सबसे पहले आ रहा है बंगाल का सबसे फेमस रसोगुल्ला। जहाँ वो बोलते हैं कि ये रसोगुल्ला के इन्वेंटर है। चलिए देखते हैं कि वो कैसा है, आइए। 1866 से दोस्तों नवीन चंद दास जी ने अपनी शॉप ओपन की और तब से लेकर के आज तक ये लेगेसी चली आ रही है। ये है रसोगुल्ला जिसके लिए ये शॉप फेमस है, और ये है रोसो मलंचा, ये मालपुआ है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। एकदम अलग बंगाली टेस्ट है, जैसा हम लोग यूजली नॉर्थ में खाते हैं तो थोड़ा सा अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है। अप्लाई करते हैं रसमलाई नहीं, रोसो मालांचा मालपुआ के अंदर ड्राई फ्रूट की फिलिंग। मालपुआ तो अच्छा होता ही, आप जानते हैं इसमें मालपुआ के अंदर ड्राई फ्रूट भरे हुए और रसोगुल्ला से हल्का मिठा है, बहुत टेस्टी, बहुत फ्लेवर। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी यहाँ कभी आइए तो यहाँ पे आके रसोगुल्ला जरूर ट्राई करिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्प्लेंडेड जहाँ पे रोविन चंद दास जी के ही सुपुत्र केसी दास की शॉप है। रसोगुल्ले की तलाश में दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं केसी दास, और ये है स्प्लेंडेड चौराहे पे। केसी दास जी अपने फादर की तरह ही एक अच्छे स्वीट मेकर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ इन्वेंट्री तरीके से इसको और डेवलप किया जाए, बंगाली स्वीट्स को और ऊंचाइयों पर लेके जाया जाए, जिसमें उनकी माँ उनके इस विचारधारा का पुरजोर विरोध करती थी। फलस्वरूप ये हुआ कि केसी दास जी ने अपनी खुद की एक शॉप खोली और खुद इनोवेटिव तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयों का इन्वेंट किया। बाद में उनके इस इनोवेशन के लिए उनको बहुत से पुरस्कार भी दिए गए। मैंने देखा है कि बंगाल में रसोगुल्ला का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और से अलग है, अंदर भी एक आपका स्मेल कमाल मजा है। अब हम लोग जा रहे हैं पार्क स्ट्रीट, और पार्क स्ट्रीट में बारा राम मौलिक एंड रामचंद मौलिक जी की शॉप में, जो सन 1885 से अपनी शानदार मिठाइयों के लिए जाने जाते हैं। स्वीट की तलाश में दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं बारा राम मौलिक एंड सन्स में, ये पार्क स्ट्रीट में है। चलिए यहाँ देखते हैं रसोगुल्ला कैसा है। लोग विजिट कर रहे हैं इनकी पार्क स्ट्रीट की ब्रांच पे, वैसे तो इनके कई ब्रांचेस हैं, और जरा अंदर का माहौल देखिए, कितने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ नाश्ते और हर चीज़ मिल रही है। मिठाइयों को देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बहुत ही शानदार डिलीशियस मिठाइयाँ हैं। साथ ही साथ आप यहाँ का इंटीरियर देखिए कितना साफ सुथरा है। चलिए जानते हैं कि इनके यहाँ का क्या फेमस है और ट्राई करते हैं इसको। मिष्टी दही আছে। আচ্ছা মিষ্টি দই আপনার আচ্ছা হ্যাঁ। আর জলবড়া সন্দেশ হবে আমাদের ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ। যেটা এটা আছে জলবড়া সন্দেশ। হুম হুম। তারপরে বেগ সন্দেশ হবে। হুম হুম। বেগ রসগোল্লা হবে। হুম। তারপরে আপনার বেগ রসগোল্লা এটা, বেগ সন্দেশ এটা, এটা হচ্ছে কেশর দিলখুস। হুম হুম। এটা কেশর লাগানো আছে, এটা ক্ষীর কদম আছে, এটা বাটার স্কচ আছে, এটা গুড়তাবাগ আছে, এটা গোলাপ পত্তি আছে। হুম হুম। ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো জিলেটো হবে। मैंगो जिलेटो क्या होता है? ये मैंगो संदेश जो होता है उसके ऊपर मैंगो जो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये डार्क संदेश होगा। तो आप मुझे एक मिष्टी दही दे दीजिए। अच्छा। और एक बेक रसगुल्ला कर दीजिए, ठीक है, मैं टेस्ट करता हूँ।
दोस्तों ये देखिए बड़ा शानदार बेक रसगुल्ला दिख रहा है। इसको गरम किया इन्होंने और ऊपर से मलाई डाला है। इसमें अंदर जैगरी गुड़ है, गुड़ वाला रसगुल्ला है। तो ये गुड़ है, ये अपना जैगरी, जैगरी वाला है, हाँ। कि अपना इसका खजूर वाला गुड़ है? नहीं, खजूर वाला ही है। खजूर वाला है ना, गजब का टेस्ट है, बहुत अच्छा, इतना सॉफ्ट है मुंह में घुल जाता है। ये थोड़ा गर्म करके खाने से और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत वाकई बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं सॉफ्ट नॉन वेज ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना अभी तक स्वीट खाया है यहाँ पे उसमें सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है। कमाल है। दोस्तों हम लोग ट्राई करने आ रहे हैं कोलकाता का फेमस मिश्री दोई। ये हल्का सा स्वीट होती है और ये देखिए अंदर देखिए एकदम थिक है, देखते कैसे है, बहुत फ्लेवर हो गया। मतलब रबड़ी और दही का कुछ बीज का है ये, बहुत शानदार टेस्ट। मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। कभी भी कोलकाता आइए, बालाराम मुलिक जी की शॉप है पास स्ट्रीट पे, और कहाँ पे? नसर स्ट्रीट पे है, कालीगंज पे है, कालीगंज है, और मेन ब्रांच है हम लोगों का दो नंबर पर, दो नंबर पद्मपुर रोड पे इनकी मेन ब्रांच है। जरूर विजिट करिए, शॉर्ट लेक के लिए जरूर विजिट करिए, इसको आप मिस नहीं कर सकते, बहुत टेस्टी है। तो सारी ही मिठाइयाँ बेहतरीन थी, लेकिन मेरी नज़र में अगर एक चीज़ सुनना हो तो बालाराम मौली जी की शॉप का जो बेक रसगुल्ला था वो बहुत ही शानदार था। दोस्तों रसगुल्लों का सफ़र तो यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन बंगाल की मिठाइयों का नहीं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ अगले एपिसोड में, जहाँ मैं आपको विजिट कराऊँगा कोलकाता की सबसे फेमस मिठाई यानी कि शॉन्डेस। तो बने रहिए मेरे साथ।